जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विभोर चौधरी है और आजकल किसानों ने दिल्ली घेरी हुई है, तो मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो उनके हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि किसान ने दिल्ली क्यों घेरी हुई है। कि अगर मगरूर दिल्ली पहले ही गांव तक पहुंच गई होती तो आज गांव को दिल्ली पहुंचने की जरूरत ना होती। और पानी के लिए हरियाणा पंजाब पर निर्भर रहने वाली दिल्ली आज उसी पानी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रही है। सत्ता के पास भले ही सिंचाई के लिए पानी हो या ना हो, लेकिन किसानों की धुलाई के लिए बहुत पानी है। मगरूर दिल्ली के टैंकरों में बहुत पानी भरा है, मगर आंखों में बिल्कुल नहीं। सरकार का मानना है कि इतनी ठंड में किसानों पर ठंडा पानी उनकी भलाई के लिए बरसाया जा रहा है। उनका कहना है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटती है, शायद ठंडे पानी से उनकी ठंड भी कट जाए। और ये कृषि प्रधान देश का दुर्भाग्य ही है कि फसल उगाने वाला आज सड़क पर बैठा है और उसकी फसल शोरूम में रख के बेचने वाला एंटीला में। जिस किसान ने बेटे को देश की रक्षा के लिए फौज में भेजा था, आज वही बेटा मजबूरी में सरकार की रक्षा अपने बाप से कर रहा है। जिस फौजी बेटे ने अपने किसान बाप के सामने आंख तक ना उठाई थी, मगर इस लालची दिल्ली के चक्कर में वही बेटा अपने बाप के सामने बंदूक उठाए खड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज ये दिल्ली के लाल जवान बनाम किसान करके खुद को बहादुर समझ रहे हैं। कोरोना भी अब सरकार की बात मान रहा है, वो सिर्फ छठ पूजा और किसान आंदोलन में फैलेगा, वो सिर्फ छठ पूजा और किसान आंदोलन में फैलेगा, किसी चुनावी रैली में नहीं। सरकार के पास कोरोना को भगाने के इंतजाम हो या ना हो, लेकिन किसानों को भगाने के इंतजाम पूरे हैं। सरकार किसानों के दिल्ली घुसने पर ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे किसान नहीं बांग्लादेशी घुस रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।